चने की कहानी कुछ यूं है कि हमने सब्जी के लिए चना भिगाया तो अचानक से ध्यान आया कि एक मुट्ठी रख देते हैं, थोड़ा अंकुरित भी खा लेंगे। अब आज ये अंकुरित हो गया तो अंकुरण को देख के याद आया कि पापा के घर में खेतों से चने की भाजी ताजी ताजी लहसुन मिर्ची के चटनी के साथ खाते थे। अब वो बाजार का तो मज़ा नहीं आता कच्चा भाजी खाने में, क्योंकि उसमें इतने सारे केमिकल डले रहते हैं कि मुँह के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाता। तो फिर क्या था, ये धनिया लगा है और यहाँ पे ये हमारी मिर्च जी लगी है, थोड़ा सा यहाँ जगह खाली है तो सोचा कि चलो चना ही बो देते हैं। तो यहाँ पे ये मिट्टी विट्टी हमने रेडी कर दिया है और यहाँ पे हम बो दे रहे हैं चना। फलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, बट भाजी तो ज़रूर खिलाएगा क्योंकि अंकुरित हो गया है, ज़रूर ग्रो करेगा। और थोड़ी सी भाजी खा के पापा के घर जितनी इतनी ही संतोष तो होगा, अच्छी यादें होंगी। तो ये हमने बो दिया चना, कहीं कहीं पे ये पास में गिर गया है तो थोड़ा इसको अलग अलग कर देती हूँ। एक बड़े ग्रो बैग जितना जगह में हमने चना लगा दिया, देख रहे हैं इक्वली स्प्रेड कर दिया है। और अब इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं ताकि ये दब जाए। वैसे ही ये अंकुरित है, मिट्टी में ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो बहुत जल्दी ही मुझे तो भाजी खाने मिलेगी। ये है हमारी चने की कहानी कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और अच्छा ही हुआ, बड़ा मज़ा आ रहा है। आप कब बो रहे हैं चना कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक होगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।